हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला आज आपके सामने फिर एक दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ परसेंटेज की पार्ट टू। और इसमें जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। अब चूंकि ये वीडियो बन रही है पेट एग्जाम वाले बच्चों के लिए, मैंने बहुत लेट से शुरू किया है, लेकिन देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके निपटवा देते हैं और कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के कर लेते हैं, फिर रेशियो प्रपोर्शन भी है उसको भी देखना है। और जो है आप लोग जो है, चूंकि मैंने कहा कि बेसिक्स चीज़ें ही आएंगी, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, चूंकि ये एग्ज़ाम्स जिस तरह का जिस नेचर का है उसके हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस ही आपको आएंगे। तो हम लोग बिना बेसिक जाने अच्छे क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए बेसिक से तो स्टार्ट ही करना है। तो परसेंटेज वाले पहले टॉपिक में जो है हम लोगों ने उसके बेसिक चीज़ को समझा था कि परसेंटेज एक्चुअली में क्या है। दरअसल परसेंटेज का चैप्टर पढ़ने के पहले तो वैसे रूल के हिसाब से पहले हम लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन देख लेना चाहिए और उसके बाद इसको देखना चाहिए, उसके पहले फ्रैक्शन पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चूंकि परसेंटेज चैप्टर ऐसा है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, इसलिए हमने परसेंटेज को लिया। तो अभी आपको कोई विशेष दिक्कत उससे हो, मतलब विशेष क्या, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़े हैं या फ्रैक्शंस पहले पढ़े हैं कि नहीं, कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत तो करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें तो आप लोग भी जानते ही हैं। तो अभी हम लोग चूंकि टाइम कम है तो इसी ढर्रे से चल रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए और उसको अपने प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चनों के साथ अप्लाई कीजिए। बेसिक क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अभी आप बेसिक क्वेश्चन करिए और देखिए कि आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपॉन में करके डायरेक्ट कटकुट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको एकदम आ जाएगा सही से। आप परसेंट कैसे निकाला जाता है उसका बेसिक फंडा हमने आपको जैसे बता ही दिया है कि आउट ऑफ 100 जो होता है वही परसेंट होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर में आपका 100 हो जाए तो न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उतना ही परसेंट आपका होगा। तो चलिए, मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला है, आप जानते ही हैं सब, और मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है डेली क्लासरूम, जिसमें मैं 11th 12th के मैथ और साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो किसी अच्छे जॉब को पा जाए और लगातार अपने उसमें लगे हुए हैं कोशिश में, तो उनके लिए भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैथ के, स्पेशली वर्ल्ड एग्जाम्स वाले जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, पेट का, फिर लोक लेखपाल का है, फिर एसआई वाला, सब इंस्पेक्टर वाला, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा मैथ के उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज करता जाएगा उन सब में, लेकिन मुझे उम्मीद है पेट के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या था, आउट ऑफ हंड्रेड मतलब 100 में से कितना, तो मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि 100 में कितना। अगर मैं लिख दूं, ये कंपैरिजन है एक तरह का, परसेंटेज भी एक तरह का कंपैरिजन है। अभी मैं उसके अच्छा एग्जांपल भी लेके मैं उसको दिखाऊंगा कि परसेंटेज से कैसे एक्चुअली कंपैरिजन जो है, हम लोग कहते हैं ना कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से करिए, उससे भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन कभी कभी परसेंटेज से कंपेयर कर लेने से एग्जैक्ट तुरंत पता चलेगा, तो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। तो आउट ऑफ 100 से परसेंट पता चलता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि 75/100, तो ये देख लीजिए 75/100। तो जब आउट ऑफ 100 में डायरेक्ट दे दिया, इसको अगर हम पढ़े तो इसका मतलब होता है 75/100, तो आउट ऑफ 100 में जितना होगा उतना ही परसेंट होगा। दिस इंप्लाइज सेवेंटी फाइव
आउट ऑफ 100, ये बताता है फ्रैक्शन कि 100 में से 75, तो 100 में से जितना उतना ही परसेंट होगा, दैट इज दिस इक्वल टू 75%, ठीक है, दिस इक्वल टू 75%, क्योंकि 100 में से है। अगर मैं इसी को कुछ ऐसे लिख दूं, ये पहला हो गया, मैं दूसरा कुछ ऐसे लिखूं कि चलिए 150 आउट ऑफ 200, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये तो 200 में से 150 है, हमको तो 100 में से 150 चाहिए, अरे सॉरी, हमको तो 100 में से चाहिए कितना, ये क्या है, इसके इसका मतलब हुआ 150 आउट ऑफ 200। आपको अगर ये आपके मार्क्स हैं, मार्क्स वाला एग्जांपल हम जल्दी ज्यादा लेते हैं, उसका कारण है कि वो आपसे डायरेक्ट रिलेट हो जाता मामला, ठीक है। आपने कॉपी में देखा है टीचर लोग कैसे नंबर देते हैं, कि आपका 200 नंबर का एग्जाम था जिसमें आपने 150 ऑब्टेन किए, तो टीचर ऐसे ही लिखेगा 150 आउट ऑफ 200, ऐसे नहीं लिखेगा कि 200 अपॉन 150, ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत तरीका है, यही सही तरीका है, ठीक है। और इससे आप पढ़ते भी हैं तो ये समझ भी जाते हैं कि हमको 150 नंबर मिले हैं 200 में, तो इसको अगर हम लिखें तो 150 200 में, हिंदी में अगर लिखें तो 200 में से 150, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिख सकते, आपने देख लिया, इसको बोलेंगे 200 में 150, ठीक है, 200 में कितने नंबर, 150, लेकिन परसेंट नहीं लिख सकते इसको कि वो 150%, ऐसा नहीं लिख सकते, 150% हो सकता है लेकिन इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये 200 में से 150 है, परसेंट तो तब होगा ना जब 100 में से होगा, तो ये 100 में से तो है नहीं 150, ये तो 200 में से है, तो इसको 100 होना चाहिए। तो हमने आपको टेक्निक बताई थी कि डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर है 200, 100 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको समझना होगा कि अगर इसको 100 में करना है तो क्या ये बड़ा नंबर है, 100 से बड़ा है तो छोटे में कन्वर्ट करना, 100 में कन्वर्ट करना है तो छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये तो क्लियर है कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, इन्हीं की हेल्प से हम अर्थमेटिक को सॉल्व करते हैं, अर्थमेटिक को ही नहीं बीजगणित को भी, एलजेब्रा को भी इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये 200 है तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब डिवीजन प्रोसेस नीचे किया तो डिवीजन प्रोसेस ऊपर भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, तो कर देते हैं सॉल्व, तो 150 को भी भैया 2 से डिवाइड किया, 200 को भी जो है 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड करेंगे 150 को तो 75 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखिए आ गया मामला फिट हो गया, अब 100 में से 75 हो गया, मतलब ये भी 75% है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फ्रैक्शन दोनों 75% है, ये भी 75% है और ये 150 अपॉन 200 भी 75% है, तो इन दोनों का परसेंटेज सेम है, मतलब ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इससे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन दरअसल इक्वल ही हैं। तो चलिए खैर अभी फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, तो हमने आपको फिर से याद दिला दिया कि परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आगे की बातें। तो दो स्टूडेंट्स थे, राम और रहीम, राम रहीम
तो रहीम की स्पेलिंग को मैं सही कर दूं, राम और रहीम थे, राम को सपोज कीजिए ये मार्क्स मिले, उनके यहाँ स्कूल का टेस्ट था, और रहीम को जो है 350 मार्क्स मिले, लेकिन उनके यहाँ स्कूल का टेस्ट 500 का था, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का था। चलिए इनके मैक्सिमम मार्क्स काफ़ी हैं तो मान लेते हैं कि ये फुल एग्ज़ाम था। तो राम के स्कूल में 400 का फुल एग्ज़ाम था, सब्जेक्ट वही रहे, उतने ही रहे, सारी चीज़ें सेम हैं, जबकि रहीम के स्कूल में 500 का वो था। तो राम ने स्कोर किया 300 मार्क्स आउट ऑफ 400, जबकि रहीम ने स्कोर किया 350 मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कौन ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया और कौन कम मार्क्स स्कोर किया, ठीक। तो चलिए, ऐसे देखने में तो ये लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो है ज़्यादा नंबर पाया है 350 रहीम जो है 350 मार्क्स स्कोर किया था, जबकि राम ने 300 मार्क्स स्कोर किया था। और रहीम ने ये बात राम से कही कि मैंने, ये दोनों पड़ोसी थे, बच्चे आपस में कंपटीशन रहता है, तो रहीम ने कहा कि आंटी मैंने जो है राम से जो है ज़्यादा नंबर पाया है, 50 मार्क्स मेरे ज़्यादा है राम से, मैंने ज़्यादा नंबर स्कोर किया है, मैं अच्छा हूँ। तो फिर वहाँ पे बड़े लोग थे बैठे, तो वो बोले कि क्या भाई ये सही है। तो एक दूसरे बड़े थे, राम रहीम के भैया थे, उन्होंने कहा, वो बड़ी क्लास के थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि राम ने बेटर किया या रहीम ने। अगर दोनों के मैक्सिमम मार्क्स भी सेम रहे होते तब तो जो है निश्चित रूप से राम रहीम ने बेटर किया। अगर ये भी 500 रहा होता, ये 500 है, ये भी 500 होता, तो 500 में ये 300 मार्क्स पाते, ये 500 में 350 पाते, तो रहीम का बेटर परफॉर्मेंस होता। लेकिन चूंकि मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग है, भले ही ऑब्टेंड मार्क्स डिफरेंट हैं कम ज़्यादा, तो ये भी तो डिफरेंट है, तो ऐसे में जो है हम परसेंटेज निकाल लेते हैं और तब डिसाइड करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 कि 100 में से कितना होगा। अगर यही पैटर्न है तो ये 400 में इतना पाया तो 100 में कितना पाता, और इसी तरह ये 500 में इतना पाया तो ये 100 में कितना पाता, इसी रेशियो के हिसाब से, तब जो है परसेंटेज वो 100 में से दोनों के लिए 100 में से हो जाएगा। दोनों का मैक्सिमम मार्क्स 100 कर दिया जाए तो कितना पाते, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये दोनों में से कौन बेटर है। समझ रहे बात को, हम इन दोनों को परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो परसेंट से कैसे पता चल जाएगा कौन बेटर है कौन उससे कम बेटर है, क्योंकि परसेंट तो आउट ऑफ 100 में होता है, जब इनका परसेंट निकल आएगा तो उसका मतलब ये पता चलेगा कि ये 100 में कितना पाए हैं, इसका भी परसेंट निकल आएगा तो ये पता चलेगा ये 100 में कितना पाया है, तो दोनों 100 में हो गए, दोनों के लिए एक तरह से मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गए, और ऑब्टेंड मार्क्स जिसका तब ज्यादा होगा, मतलब जिसका ज्यादा परसेंट होगा फिर वही बेटर होगा। तो चलिए राम का परसेंटेज मार्क्स निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ राम, तो देख लेते हैं कि राम का कितने मार्क्स परसेंट मार्क्स मिले हैं राम को। तो हमने आपसे कहा था कि अगर फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन आपको दिया गया है, परसेंट में कन्वर्ट करना, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको वो सोचना फिर अब नहीं है कि वो 100 में नीचे करना है, ऐसा कुछ आप चाहो तो नीचे 100 बनाओ सब करो, लेकिन हमने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि फ्रैक्शन को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि ये डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर लो, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 से उसको भी डिवाइड कर दो तो भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो डिवीजन वाला थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि फ्रैक्शन है तो चुपचाप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट करो। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर के लास्ट के दो जीरो हो, लास्ट में दो जीरो हो तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है, या लास्ट के दो नंबर जो है मतलब वंस ऑफ टेंस प्लेस वाले नंबर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा।
ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे समझे कि फोर से वो नंबर कट जाते हैं जिनके इकाई और दहाई के अंक या तो जीरो जीरो हो या तो इकाई और दहाई के अंक मिलके फोर से कट रहे हो, तो बाकी पूरा ही कट जाएगा। तो चलिए फोर से कट कर देंगे, फोर वन जा फोर, फोर से इसको कट करेंगे तो आपको पता है 75 आएगा, फोर सेवन जा 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया, 2 बच गया, 20 हो गया, तो 24 5 जा 20, इस तरह से। तो ये 75 × 1 और 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट बन गया था, तो 75 × 1 मतलब कि ये हो गया इक्वल टू 75%। तो देखिए राम परसेंटेज मार्क्स ऑफ राम 75%, राम ने कितने स्कोर किए 75%। इसी तरह से रहीम के परसेंटेज मार्क्स ऑफ रहीम रहीम ने कितना, ये है फ्रैक्शन रहीम का 350/500×100, इतने परसेंट, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 × 5 5 7 × 35 and 0 70 × 1 70, तो ये आ गया 70%। तो देखिए अब जो परसेंटेज मार्क्स राम के थे वो 75% थे, रहीम का जो परसेंटेज मार्क्स 70% है, तो रहीम का परसेंटेज मार्क्स कम है, इसका मतलब जो है राम ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो रहीम के भैया ने जो अपना कैलकुलेशन किया तो उन्होंने बताया कि रहीम आप 70% केवल मार्क्स पाए हैं और जबकि राम ने 75% पाए हैं, इसका मतलब राम ने बेटर परफॉर्मेंस की है। ठीक है, तो ये बच्चों का अपना रहता है, तो उनको ये पता चला कि दरअसल परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम परसेंटेज का एक यूज, जो एक एप्लीकेशन कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, तुलना करने के लिए भी करते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये तुलना हो गई ना, पता चल गया ना कौन कम है कौन ज्यादा है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको परसेंटेज का, जिससे आप लोग जो है इस तरह से कंपेयर कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोग वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को आप अपने समझने के लिए जरूर नोट कर लीजिएगा, हिंदी वाले भी, ये कि यहाँ पे राम का प्रतिशत मार्क्स, ठीक है, और रहीम का प्रतिशत मार्क्स करके लिख लेंगे, इतना टफ ये सब चीज है नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं बेटा, आप लोग समझना आपको आना चाहिए बस। तो अभी मैं रब कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस की। अब जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं परसेंटेज रिलेटेड, जैसे मैंने 3/5 एक फ्रैक्शन लिखा, तो ये अगर ये दो क्वांटिटी रही होंगी तो ये तुलना है, रेशियो जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी जो है कंपैरिजन ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5, ठीक है ना, तो 3:5 लिख सकते हैं। सिमिलर क्वांटिटी को जब कंपेयर कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, कैंसिल वैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमको रेशियो मिल जाता है। मान लीजिए जो है ये 15 रहा हो, ये 75 रहा हो, दो बच्चे थे, दो फ्रेंड थे, दोनों को पॉकेट मनी मिली, एक को 15 रुपीज मिला, एक को 75 रुपीज, तो कहा गया कि जो है किस रेशियो में दोनों के पास पैसे हैं, तो ये 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से कट कर दिया, 5 × 3 = 5 जो है 5 × 3 = हो गया, और 5 से हाँ 15 हो गया, फिर 3 × 1 = 3 and 3 × 5 = तो 1/5 हो गया, और 1/5 को आप 1:5 लिख सकते हैं। तो ये भी जो है कि पहले वाले बच्चे के, मतलब अगर दूसरे टोटल 6 रुपए अगर हैं तो पहले वाले के पास 1 रुपए है तो दूसरे वाले के पास 5 रुपए हैं, मतलब पहले वाले के पास कम है दूसरे वाले के पास ज्यादा है। अगर दोनों का इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रुपए थे दोनों के तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 6 रुपीज दोनों को मिला के हैं, टोटल 6 रुपीज, ये 5 + 1 6 हो जाएगा,
दोनों के पास मिला के 6 रुपए हैं, तो 1 रुपए पहले वाले बालक के पास है और 5 रुपए दूसरे वाले बालक के पास है। मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास 1 रुपीज है तो सेकेंड फ्रेंड के पास 5 रुपीज है। ठीक है, तो ये रेशियो है, ये सिमिलर क्वांटिटी थी, सिमिलर क्वांटिटी होना जरूरी है। मतलब ये रुपए में है तो ये भी रुपए में है, ये नहीं कि ये 15 मीटर है और ये 75 रुपीज है। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी को केवल कंपेयर करते हैं। ठीक है, अनलाइक क्वांटिटीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए ये तो ऐसे सिंपल से आपको समझा रहे थे कि ये रेशियो है। इसी तरह से जो है अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स जो रेशियो के टर्म्स में है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए चौक का एग्जांपल लेते हैं। किसकी बात करते हैं? चौक की। ये हमारी जो चौक होती है इसमें कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसमें होता है कार्बन, कार्बन, और इसमें होता है ऑक्सीजन, थोड़ा ऑक्सीजन भी होता है, और मान लीजिए कि कैल्शियम, कार्बन और ये ऑक्सीजन। वैसे तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन O4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। इनका जो रेशियो है 13:2:10। इस चौक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये दिया गया है। ठीक है, तो ये कोई पूछे आपसे कि कैल्शियम इस चौक में कितने परसेंट है, कार्बन इस चौक में कितने परसेंट है और ऑक्सीजन भी इसके पोर्स में है वो कितने परसेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चौक जो है इन 3 एलिमेंटों से बनती है और इन 3 एलिमेंटों का जो रेशियो है इस चौक में, सपोज किया कि ये रेशियो है, पहले कैल्शियम है तो ये कैल्शियम के करस्पॉन्डिंग है, ये कार्बन है सेकंड पे तो ये सेकंड ये कार्बन के लिए हो गया, लास्ट में ऑक्सीजन है तो ये लास्ट वाला रेशियो ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द चौक। क्वेश्चन ये है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द चौक। प्रेजेंट इन द चौक, तो चाक में जो है हर एक एलिमेंट जो है ये तीनों उनका क्या परसेंटेज है ये हमें फाइंड करना है। तो अभी याद कीजिए हमने आपसे कहा था कि अभी वो दो फ्रेंड्स थे जिनके मनी का रेशियो, जिनके पॉकेट मनी का रेशियो हमने ये निकाला था। तो हमने आपसे कहा कि अगर इन दोनों को मिला लीजिए तो 6 रुपए हुए, तो 6 रुपए में 1 रुपए जो है पहले वाले फ्रेंड के पास और 5 रुपीज जो है दूसरे वाले फ्रेंड के पास है। ठीक है, तो अब वैसे ही इसको भी समझेंगे कि अगर इनको ऐड कर लें, मान लीजिए ये चौक का वेट का रेशियो है ना। ठीक है, ये चौक का वेट का रेशियो तो है ही है, तो इनको अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 13+2=15, 15+10=25। मतलब ये कि अगर चाक का जो वेट है, मास है, वो 25 ग्राम आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे कितना हो रहा है? 25 ग्राम। तो उसमें से 13 ग्राम तो कैल्शियम है, इन सबको ऐड किया तो 25 ग्राम आ गया, तो 25 ग्राम टोटल चाक का वेट है, क्योंकि यही लोग तो मिलके चाक बना रहे हैं, अगर इनको ऐड कर लिया तो चाक का वेट ही तो निकलेगा, टोटल वेट। तो टोटल वेट अगर चाक का 25 ग्राम है
तो 13 ग्राम तो हो गया कैल्शियम, क्योंकि पहला तो कैल्शियम है और पहला रेशियो 13 है, तो 25 ग्राम में 13 ग्राम हो गया कैल्शियम, 2 ग्राम हो गया कार्बन और 10 ग्राम हो गया ऑक्सीजन। तो अगर आपको कैल्शियम का परसेंट चाहिए तो आपको बताना होगा कि 100 में कितना ग्राम होगा कैल्शियम। अभी तो ये पता चल रहा है कि ये 25 ग्राम में कैल्शियम है 13 ग्राम। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बेटा इन सब रेशियोज को ऐड कर लिया कीजिए। अब हम तो ऐड करके प्रोसेस दिखा रहे हैं, आप ऐसा करोगे आप तो ओरली ऐड कर लोगे कि 25 आए कि नहीं आए, लेकिन हम प्रोसेस कर रहे हैं। आप कॉपी के नोट्स कॉपी में जरूर इसको नोट करिएगा, क्योंकि बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको याद आएगा। मान लीजिए भूल गया तो याद आएगा कि दरअसल ऐसे कर लिया जाता है, और क्यों किया जाता है वो भी हम समझा दे रहे हैं, तो आप समझ लेंगे तो जल्दी भूलेगा ही नहीं। फिर भी नोट्स कॉपी में रहना चाहिए, कभी कदार जो है आदमी तमाम तरह से एक्टिविटी में लगा हुआ, कोई बात है भूल भाल गया तो पेज पलट लिया तो याद आ जाएगा। तो भैया इसके सोल्यूशन में सम ऑफ द रेशियोज टर्म्स, ये हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है इसे, तो रेशियोज का टर्म्स जो दिया गया है इनका सम कर लेंगे। तो मैं सम माने जोड़ना होता, आपको पता ही है सम ऑफ रेशियोज टर्म्स, ये जो रेशियोज दिए हुए इनका सम, सम माने योग जोड़ना, किसका रेशियो टर्म्स का, यही रेशियो टर्म्स तो है, तो ऐड कर लीजिए कितना हो गया 25। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं रेशियोज का जोड़, ठीक है, रेशियो पदों का जोड़, ऐसे कुछ हिंदी में लिख लेंगे अपना। तो हिंदी इंग्लिश का ज्यादा चक्कर बहुत मत पालक कीजिए आप लोग। तो सब निकल आया 25, ठीक है, मतलब कि अगर इतना ग्राम वेट है टोटल चौक का तो कैल्शियम 13 ग्राम, अगर टोटल चौक का इतना ग्राम वेट है तो उसमें से कार्बन 2 ग्राम है, अगर ये टोटल वेट है तो ऑक्सीजन 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये हुआ, तो अगर हम कैल्शियम का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने ग्राम है 13 ग्राम, कितने में से 25 में से, मतलब ये एक तरह से अगर आपने, हमने आपसे कहा कि आप अपने नंबर की तरह चले जाइए, जैसे आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं, मतलब आपको मिले 13 नंबर, कितने में 25 में, तो जितने में मिलते हैं वो तो नीचे लिखा जाता है ना, जितने में आपको नंबर मिले हैं, 25 नंबर में मिला है आपको 13, तो 13 तो ऊपर रहेगा 25 नीचे, तो वैसे ही यहाँ पे है 13 ग्राम है कैल्शियम, कितने में है 25 ग्राम में, तो 25 ग्राम तो नीचे रहेगा ना, तो कैल्शियम का परसेंट निकाल लें तो ये तो 25 तो नीचे रहेगा, कैल्शियम का कितना है इसमें से 25 में से 13 है कैल्शियम। अब ये फ्रैक्शन हो गया ना, परसेंट में करना है तो इनटू 100 कर देंगे, एक तरीका ये है कि इसको 100 बना दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट तरीका होता है कि डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन को तो भी परसेंट मिल जाता है। तो वही करेंगे हम लोग, 25 1 जा 25 25 4 जा 100, ये कट गया, इंटू है 4 इंटू 13, तो 13 4 जा 52, 13 चौके 52, तो ये हो गया, हमने कहा था 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट हो जाता है, तो 52% 52% आ गया आपका, आ गया कि नहीं। अब आपको देखिए कैल्शियम का परसेंट तो बेटा पता चल गया, इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट भी पता चल जाएगा। अगर आपको परसेंट ऑफ कार्बन चाहिए तो कितने ग्राम है कार्बन, 2 ग्राम, कितने में है 25 में ही तो है, ये भी चौक के अंदर ही तो ये भी है। अब ये फ्रैक्शन हो गया कार्बन का, परसेंट में करना है तो इनटू 100 कर देंगे इतने परसेंट, इसको कट कर देंगे, ये हर बार वही आएगा 25 4 जा, तो हर बार ऐसे ही चलेगा। अब ये कट करके नीचे ऊपर जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे है तो ये ऊपर ही ना, 4 2 जा 8, तो 8% हो गया। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे 60% हो गया, टोटल 100% होता है, 60 माइनस कर देंगे 100 से तो 40% वैसे भी आ जाएगा ऑक्सीजन का, लेकिन आप निकाल भी लीजिए इसी तरह से, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब करेंगे
तो ऑक्सीजन कितना है, कितने ग्राम, 10 ग्राम, कितने में है, 25 ग्राम में, इंटू 100 किया, ये तो हमने कहा था ये कट के 4 ही आएगा, 4 × 10 = 40, तो ये जो है देखिए आपको 40% ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन के लिए बेटर यही रहेगा कि आप O2 यूज करिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करती है। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, तो चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो आगे की हम बात करते हैं। चलिए बेटा ये आप लोगों ने नोट कर लिया, अब आप देख रहे हैं ये परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि इन सबको ऐड कर लिया तो मालूम हो गया कि जो है टोटल इतने में टोटल 25 आया था इनका सम, तो मतलब 25 ग्राम में 13 ग्राम कैल्शियम है, तो 25 ग्राम में 13 ग्राम कैल्शियम है, मतलब 25 नंबर में 13 नंबर मिला है कैल्शियम को, तो परसेंट में करना था तो इंटू 100 कर देंगे। इसी तरह तो आप देख रहे हैं कि जो रेशियो का सम आता है वो हर बार नीचे आ रहा है, सब जगह नीचे आ रहा आएगा, भी आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जिसमें हम ये जिसमें जितने में इनका ये निकला है वो तो टोटल नीचे रहेगा ही ना, 25 ग्राम में ये इनके इंडिविजुअल मास है, समझ में आ रही बात ना, तो इसीलिए वो हमेशा सम ऑफ रेशियो टर्म नीचे ही रहेगा। अब इसी में ये तो एक पार्ट हो गया कि आपको परसेंटेज निकालना था, अगर दूसरा इसी में हम कह दें कि परसेंटेज तो हो गया, इफ कार्बन इज If कार्बन इज 5 ग्राम इन चॉक स्टिक देन फाइंड द WT मतलब वेट ऑफ स्टिक, ये चॉक स्टिक है, ये तो अब छोटी हो गई है, तो इस चॉक स्टिक में जो कार्बन है, ये कार्बन का ये दिया हुआ है, कार्बन अगर 5 ग्राम है, ये चॉक स्टिक पूरी पूरी मान लीजिए है, ये टोटल चॉक थी, उसी का ये परसेंटेज दिया हुआ था कि इसमें कैल्शियम इतने पार्ट है, कार्बन इतने पार्ट है, ऑक्सीजन इतने पार्ट है, और बाद में ये एक इन्फॉर्म साथ में इन्होंने पूछा कि तब इनके कितने परसेंट है, ये तो रेशियो के टर्म्स में दिया हुआ, तो कितने परसेंट कैल्शियम है, कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर ये कह दें कि इसमें जो कार्बन है, कार्बन परसेंट के बाई मास जो रेशियो है वो 2 है और बाई परसेंट 8% है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसमें कार्बन का जो वेट है, मास है, वो 5 ग्राम है, ये थोड़ा जगह कम थी हमने यहीं पे लिख दिया, इफ कार्बन इज 5 ग्राम इन चॉक स्टिक, ये चॉक स्टिक में कार्बन 5 ग्राम है, मतलब इसका टोटल वेट जितना भी ग्राम होगा उसमें से 5 ग्राम कार्बन का वेट है, तो कह रहे हैं देन फाइंड द वेट ऑफ स्टिक, तो इस पूरे स्टिक की वेट बताओ, ठीक है, तो इस पूरे स्टिक की वेट बताना है हमको, जबकि इसमें कार्बन 5 ग्राम है ये बता दिया गया है, तो बहुत आसान है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए कार्बन है कितने परसेंट, कार्बन है 8%, किसका 8%, टोटल वेट का 8%, ठीक है, परसेंट में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, 8% है, तो किसका 8% है, टोटल वेट का, इस चौक के टोटल वेट का 8% है, तो इसका मतलब इस चौक का टोटल वेट का जो 8% हम निकाल ले तो कार्बन का वेट पता चल जाएगा, जो कि 5 दिया तो उसके इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 8% क्या बता रहा है कि कार्बन का जो वेट है इस चौक में वो टोटल वेट का 8% है, ठीक है,
तो टोटल वेट का अगर 1% है और इन्होंने दे दिया है दरअसल कार्बन तो 5 ही ग्राम है, इसका मतलब कि इसका जो 8% है वो 5 ग्राम के इक्वल है। इस टोटल चाप का जो वेट है उस वेट का 8% 5 ग्राम होगा, क्योंकि 8% तो कार्बन का है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे क्लियर है। क्या क्लियर है कि 8% ये सेकेंड वाला हो गया पार्ट आपका, 8% ऑफ वेट ऑफ चॉक स्टिक इक्वल टू 5 ग्राम। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी 8% है इसमें, तो इसके वेट का 8% हम निकाल ले रहे हैं, 8% ऑफ चार्गन 8% ऑफ चॉक स्टिक। चॉक स्टिक मतलब क्या, चॉक स्टिक का जो वेट है, ठीक है, 8% ऑफ, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है, इसको ऐसे लिख देंगे, एट परसेंट किसका, सही लिखा था हमने, ध्यान नहीं दिया, 8% ऑफ वेट ऑफ, ये वेट है WEIGHT होता है, शॉर्ट में लिख दिया वेट, तो 8% ऑफ वेट ऑफ चॉक स्टिक इक्वल टू 5 ग्राम। क्यों, क्योंकि 8% कार्बन है चॉक स्टिक के टोटल वेट का, तो 8% निकाल ले रहे हैं चॉक स्टिक के वेट का, तो कार्बन की क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा, और कार्बन की क्वांटिटी तो 5 ग्राम दी हुई है, तो 8% का मतलब हो गया 8/100। जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में करने को कहेगा तो परसेंट का साइन हटाइए, 100 नीचे लगाइए, क्योंकि परसेंट क्या होता है कि आउट ऑफ 100, 8% का मतलब हुआ आउट ऑफ 100 8, ठीक है, ऑफ माने इनटू वेट ऑफ कार्बन चॉक स्टिक, तो चॉक स्टिक ये थी, इसका वेट हम मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स, कि इस चॉक स्टिक की टोटल वेट एक्स ग्राम है, तो दिस इज इक्वल टू 5। अब हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स इक्वल टू 5 को डिवाइड कर दीजिए 8/100 से, ठीक है, 8/100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आप है ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, जगह बनाऊंगा, ठीक है, तो x इक्वल टू 5 तो ये रहेगा, आपको पता है जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100/8 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो समझेंगे, लेकिन इतनी चीजें तो आपको अब मालूम नहीं होंगी। पहला वाला जो है एज इट इज रहेगा, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपको क्या करना है उससे कि पलट देना, आपको पता होना चाहिए, तो 100 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, अब कट कर दीजिए 4 2 8, 4 से इसको कट करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है, अभी क्या है ये 2 से कट कर दीजिए, ये 2.5 आ गया, तो x इक्वल टू ये 2.5 बचा इंटू ये कितना बचा 25, 25 मल्टीप्लाई होता तो 625 आता है, वन प्लेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए ग्राम, ग्राम क्यों, क्योंकि ये 5 ग्राम दिया हुआ था, इसका मतलब ग्राम में ही वेट है, तो वो जो चॉक स्टिक है वो 62.5 ग्राम की है, ठीक है, कितने ग्राम की है 62.5 ग्राम की, तो इस तरह से ये रेशियो आप जो है
समझ गए होंगे। और इस रेशियो में क्यों हम इनका सम करते हैं, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। तो अगर इनको ऐड किया तो 25 आया, मतलब अगर 25 ग्राम इसकी वेट थी चॉक की तो उसमें से 13 ग्राम कैल्शियम रहा होगा इस चॉक के अंदर, 2 ग्राम कार्बन रहा होगा इस चॉक के अंदर और 10 ग्राम ऑक्सीजन रहा होगा, तब ये 25 ग्राम की चॉक बनती। और अगर परसेंट पूछा गया तो हमें परसेंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है 25 ग्राम में 13 ग्राम है तो इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन बन गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 25 ग्राम में कार्बन 2 ग्राम है, मतलब एक तरह से 25 नंबर में 2 नंबर मिला, परसेंट में करना था इनटू 100 कर दिया, तो मालूम हो गया ये जो 8% आ गया इसका कि 8% जो है आपका कार्बन है। इसी तरह ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लिए थे, परसेंट पता हो गया। अब कह दिया गया जो ये 8% कार्बन है दरअसल ये 5 ग्राम के इक्वल है, मतलब इसमें कार्बन 5 ग्राम है। किसका 5 ग्राम? टोटल का, टोटल इसका जो भी वेट रहा उसका 5 ग्राम, तो इसके वेट को एक्स मान लिए तो इसका जो है 8% निकाल लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन 8% है तो टोटल वेट का 8% निकाले तो वो 5 ग्राम के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कार्बन 5 ही ग्राम है, तो 5 के इक्वल कर दिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से ये निकल आया टोटल वेट ऑफ द स्टिक। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन था। चलिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। क्वेश्चन है, चालीस बच्चों की कक्षा में पंद्रह लड़कियां हैं, लड़कों का परसेंट बताइए, बताइए कितने प्रतिशत लड़के कक्षा में हैं। तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि 40 बच्चों की एक क्लास है, उसमें 15 तो लड़कियां हैं 40 में, तो कह रहे हैं कि ठीक है 40 बच्चों में 40 40 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट तो गर्ल्स चाइल्ड है, तो कितने स्टूडेंट्स बॉय चाइल्ड है। ठीक है, तो चलिए लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो एक तो तरीका यह है कि लड़कियों का प्रतिशत निकाल लीजिए, लड़कियों की संख्या दी हुई है, और फिर 100 में से उसको माइनस कर दीजिए, लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि दो ही लोग हैं लड़का और लड़की, कोई इसमें तीसरी तरह का तो है नहीं कुछ। तो डायरेक्ट आप लड़कियों का प्रतिशत निकाल सकते हैं और 100 से माइनस करके उसको बता सकते हैं। दूसरा ये है कि लड़कों की पहले संख्या निकाल लीजिए और उसके बाद उनका प्रतिशत बता दीजिए। तो 40 में से 15 है लड़कियां, तो उनको माइनस कर दीजिए, 25 आ गया, तो 25 लड़के हैं। अब लड़के कितने में है? 40 में है, तो आप उसका परसेंट भी निकाल लीजिए। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो इनका जो सलूशन है, इसमें जो फर्स्ट मेथड है, प्रतिशत लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत
लड़कियों का प्रतिशत, ये प्रतिशत इसको पढ़िएगा, लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे तो कितने बच्चे हैं कुल 40, कितनी लड़कियां हैं इसमें से 40 में से कितनी हैं, तो जितनी है वो तो ऊपर लिखा जाएगा आपको पता ना, मतलब यूं समझे कि टोटल 40 नंबर का एग्जाम है उसमें 15 नंबर पाया, ठीक है, तो टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे, तो जिसमें से हमको मिलता है इसी में से तो हमको मिल रहा है तो ये तो नीचे रहेगा ही ना, तो 15 लड़कियां हैं क्योंकि लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों का प्रतिशत निकाला जा रहा है तो ऊपर लड़कियां ही लिखी जाएंगी, ये फ्रैक्शन मिल गया, अब फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं, खट से 100 × 2 कर देते हैं, अब इसको कट कर दीजिए, 1 0 तो देखिए ऐसे ही कट गया, ठीक है, फिर ये जो है अब कुछ कटेगा थोड़ा सा, 2 2 = 4 हो गया, 2 5 = 10 हो गया, कट कुट चुका तो 15 5 = 75 और नीचे है 2 और 100 से मल्टीप्लाई किया था तो परसेंट तो हो ही गया था, परसेंट तो हो ही गया है ये, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शन में है तो आपके लिए दिक्कत करेगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 70 होता डबल करने पे, ठीक है 37.5 आ जाएगा, 37.5%, तो ये तो लड़कियों का प्रतिशत हो गया, लड़कों का प्रतिशत चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से इसको माइनस कर दीजिए, तो लड़कों का प्रतिशत देयरफॉर लड़कों का प्रतिशत 100 - 37.5 तो इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 2.5 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा और उधर 60 और लगा दीजिए तो 62.5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 62.5%, इतने परसेंट लड़के हैं, ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, आप करोगे तो चुटकियों में करोगे, फट से ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, ये सब तो लिखना नहीं रहेगा, जल्दी सिर्फ में गुच 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 करके आंसर टिक मारोगे, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये ऊपर रहेगा कि ये ऊपर रहेगा, तो 40 ही नीचे रहेगा क्योंकि इसी में से तो ये लड़कियों की संख्या है, ऐसा तो है ना कि 15 में से 40 लड़कियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 40 ही नीचे रहेगा। अगर आप यहां पे ये वाला मेथड, दूसरा वाला मेथड यूज करना चाहते हैं कि चलिए हमें लड़कों का पर्सेंट बताना, डायरेक्ट लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं और फट से निकाल लेते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते थे, सेकंड मेथड में लड़कों की संख्या कितनी है, 40 में से लड़कियों को माइनस कर दिया 25, इतने लड़के हैं तो लड़कों का प्रतिशत 25। अब भाषा ठीक ही है, आपको सम्मान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, भाषा में कुछ कड़ापन हो तो क्षमा करिएगा, आप लोग बहादुर है ही हैं, देखिए तो लड़कों का प्रतिशत कितना है भैया, तो लड़कों का प्रतिशत, लड़के हैं कितने, 25 है, कितने में है, 40 में, तो 40 नीचे लिखा जाएगा, कितने लड़के हैं, 25 परसेंट में करना तो क्या करेंगे, इनटू 100% हो गया। अब ये जो है, अब आप देख ही रहे, कटेगा ये 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, हालांकि 0 कट कर देते डायरेक्ट 10 से हो जाता मामला, चलिए लिख दिया तो 5 से कट किया 20 हो गया, 4 2 = 4 5 ठीक है, अब 2 से किया ये 2.5 तो 25 × 2.5 तो पॉइंट को तो भूल जाओ, 25 का स्क्वायर आप जानते हो क्योंकि 25 × 25 = 625 होता है, वन प्लेस के बाद डेसिमल है लगा दिया, इतने परसेंट हो गया, देख लीजिए 62.5% यहां पे भी आया, 62.5% यहां पे भी आया, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको पॉज करिए वीडियो, फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का चक्कर मत पालिए, आराम से चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में, कहीं कहीं हिंदी आसान पड़ती है, कहीं कहीं इंग्लिश आसान पड़ जाती है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आप लिख देते हैं।
चलिए आगे ये आप लोग तो नोट ही कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शर्मा जी ने रुपए 50,000 में एक स्कूटर खरीदकर लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इसे ₹45,000 में बेच दिया। बताइए शर्मा जी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन हिंदी में शुद्ध रूप से। अब लैंग्वेज भी लगभग ठीक ही ठाक है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं। शर्मा जी ने बेचारे थे स्कूटर ले आए खरीद के, शौक था ले आए, मजबूरी आदमी को कुछ भी कराती है। मजबूरी में आके जो है स्कूटर को उन्होंने तुरंत ही बेचना पड़ गया, एक दो दिन बेचारे चढ़े होंगे, और उन्होंने उसको 45,000 में बेच दिया। तो कह रहे बताइए शर्मा जी को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो लाभ तो हुआ नहीं, चलिए दो चार साल चढ़ लिए होते कोई बात नहीं, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उन्होंने 45,000 में ही बेच दिया, कारणवश बेच दिया, मतलब जल्दी ही बेच बांस के फुर्सत हो गए, तो हानि ही हुई है। 50,000 खर्च किए थे, 5,000 नुकसान उठा के बेच दिए, तो हानि का केस है, लाभ तो होना नहीं है। लेकिन लिख दिया जाता लाभ या हानि हुई, जो भी हुई उसका परसेंट बताओ। तो हानि तो हो गई, तो हानि का परसेंट बताना है, तो हानि का परसेंट बताना है। हानि का परसेंट, ये सोल्यूशन है यहां पे, हानि का परसेंट। अब स्पेलिंग तो सही होगी, हानि का परसेंट मतलब लॉस परसेंट जिसको कहेंगे, हिंदी में भी हानि का परसेंट ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो हानि का परसेंट बताना है। जैसे आपके मार्क्स का परसेंट बताना है, तो आपका जो मार्क्स मिला हो वो लिखिए, और फिर अपॉन कितने में मिला वो लिखिए, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हानि जो हुई है वो कितने की हुई है, माइनस कर दीजिए 50,000 से 45,000 माइनस कर दीजिए। हानि का परसेंट बताना है तो पहले हानि तो बताओ कितना हुआ, 5,000 के हानि हुई है। अब ये सब माइनस वाइनस तो कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5,000 की हानि हुई है। ठीक है, जैसे आपको मार्क्स मिले हैं, आपके मार्क्स का परसेंट बताना है, तो कितना मार्क्स मिला, 75 मिला, कितने में मिला, 100 में मिला। ठीक है, तो हानि हुई कितने की हुई, 5,000 की, कितने में हुई, 50,000 में। कितने में हुई हानि, 50,000 में,
45,000 में नहीं हुई है कि हमने तो बेचा 45,000 का, तो 45,000 में हानि हुई ना। अरे महाराज, आपने खरीदा तो इतने पे था ना, इसी की वजह से तो 5,000 की हानि हुई। अगर आपने 45,000 का खरीदा होता तब कहाँ हानि होती। तो हानि तो इसी की वजह से हुआ कि आपने 50,000 लगाए थे, उसकी वजह से 5,000 का हानि हो गया। 45,000 में खरीदे होते तो उसी में तो बेच दिए, फुर्सत कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकाध दो दिन चढ़ लिया अलग से। बात समझ में आ रही है? तो हानि इस पे हुई है, इस प्राइस की वजह से हुई है, तो इसलिए ये नीचे रहेगा। यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिए। अब ये फ्रैक्शन मिल गया, परसेंट में बताना, हानि तो इंटू 100 कर दो, परसेंट का साइन लगा दो। ये 3 जीरो कट गए, 5 बचा 50 बचा, 5 1 जा 5 10 जा, तो 1/10 आ गया, और इंटू अभी 100 बचा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, परसेंट इसको कट कर देंगे, 10 आ गया, मतलब कि 10% की हानि हुई, ठीक है। 10% का उनको नुकसान हो गया, बेचारे शर्मा जी को 10%, मतलब कहने का, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब जो 5,000 रुपए है वो 50,000 का 10% है, तो सही बात है। 5,000 रुपए 50,000 का कितने परसेंट होगा? 10%। तो ये इसमें जो है आपको ध्यान रखना कि नीचे क्या आएगा। हानि का परसेंट बताना, तो हानि को ऊपर रखना पड़ेगा, कितने रुपए पे हानि हुई, 50,000 रुपए, तो नीचे इंटू 100। बाद में आप जब लाभ हानि का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हानि का परसेंट बताना, तो हानि ऊपर और क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो क्रय मूल्य शर्मा जी ने इतने में ही खरीदा था 50,000 में, तो क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। तो इसको क्रय और ये सब विक्रय का चक्कर अगर छोड़ दें, अपने बेसिक तरीके से जो हम डेली एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझते हैं उससे भी समझें कि जो मेन परसेंट का या फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो, कि इतने रुपए की हानि हुई है और हानि किसकी वजह से, इसी पैसे की वजह से हुई, तो यही नीचे रहेगा। 45,000 की वजह से नहीं हुई, 45,000 में तो आपने बेचा, अगर 45,000 की जगह 50,000 में बेच दिए होते तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि यही तो बता रहा है कि इतने में बेच दोगे तो इसकी वजह से 5,000 का नुकसान हो जाएगा, तो ये आपका नीचे रहेगा इंटू 100। तो इस तरह से ये जो है आपका हानि का परसेंट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें तो बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं प्रतिशत में, अभी हम आपको जो है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन फिर परसेंट के आगे भी बात बढ़ाएंगे, एक वीडियो और आपको परसेंट पे क्वेश्चनों की कराएंगे, फिर जो है हम लोग आगे दूसरे चैप्टरों पे भी चलेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चन इतने बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसमें कुछ इंक्रीमेंट वाले की कितने परसेंट इंक्रीज कर गई प्राइस, कितना परसेंट कंजम्पशन रिड्यूस कर देना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अभी परसेंट में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो है आगे बात करेंगे। अभी इस तरह के क्वेश्चनों को आप देखिए, समझिए और उस पर जो है प्रैक्टिस कीजिए। ओके, धन्यवाद बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो अपने सर की हेल्प करिए, उनको जो है अच्छे कमेंट दीजिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगे कि हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इन हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, लिखने के तरीके समझ में आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये बताएं हमको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे मैं भी प्रोत्साहित हूँ, मुझे भी लगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे भी इसको समझ रहे हैं और मेहनत से उसको अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, और पसंद आने पे हमको रिप्लाई भी दे रहे हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।